हेलो सो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपीवीसी फिटिंग के बारे में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमने इस वीडियो के सामने में ये आधा इंच की फिटिंग में यूपीवीसी यूनियन को लेके आया हुआ है। और आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आप इस आधा इंच के यूनियन को एक इंच की फिटिंग में कैसे लगा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि आप आधा इंच के यूनियन को एक इंच की फिटिंग में कैसे लगाएं। बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है। तो चलिए, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि हम इस तरह की नई नई अपडेट्स आप तक पहुंचा सके। एंड हम आपको बता दें कि इसे एक इंच की फिटिंग में लगाने की बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, जो कि जैसे आप अपनी साइट पर वर्क करने जाते हैं उस टाइम अगर इस तरह की प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, जैसे कि आपने सारे आइटम्स लिखाया वो उसमें धोखे से आपके हाथों से एक इंच का यूनियन लिखते हुए एक आधा इंच का यूनियन आ जाता है, उस टाइम हार्डवेयर शॉप थोड़ी दूरी पर है, वर्क अर्जेंट है करना, तो आप उस वर्क को कैसे कर सकते हैं। आपको सिंपली आपके साइट पर अवेलेबल इन सारे आइटम्स को ले लेना है, जो कि ये सारे आइटम्स आपकी साइट पर एनी टाइम अवेलेबल रहते ही है। आधा इंच की पाइप के जॉइंट्स को ले लेना है, सॉल्वेंट्स को ले लेना है और साथ में आपको 1/2 के इस रेड्यूसर को ले लेना है। प्लेन रेड्यूसर देख सकते हैं, हमने 1/2 का लिया हुआ, इस 1/2 के रेड्यूसर को ले लेना है आपको। और इस 1/2 के रेड्यूसर को इस आधा इंच की फिटिंग में इस तरह से ज्वाइंट कर देना है। जब भी आप इन फिटिंग्स में ज्वाइंट्स को जोड़ते हैं, पाइप के ज्वाइंट्स को जोड़ते हैं, उस टाइम एक बात को ध्यान रखना है, जिस भी कंपनी के आप सॉल्वेंट्स को यूज कर रहे हैं साइट पे, उस सॉल्वेंट्स को इस फिटिंग के अंदर में और इस पाइप के ज्वाइंट्स के ऊपर में लगाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ताकि फ्यूचर में लीकेज जैसी प्रॉब्लम ना बने, इसीलिए सॉल्वेंट्स को लगाया जाता है। तो आप जरूर आप अपनी साइट पर सॉल्वेंट्स को यूज कीजिए एंड इस तरह से आप इस फिटिंग को लगा सकते हैं। ये देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल सी ये ट्रिक है। जैसे आप अपनी साइट पे नाइट में वर्क कर रहे हैं उस टाइम भी इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं, मनी सेव कर सकते हैं, इस ट्रिक को यूज करके टाइम सेविंग कर सकते हैं। सो गाइज, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में दी गई सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आधा बाई आधे के इस यूनियन को 1/1 की फिटिंग में कैसे लगाने की हमने इस ट्रिक को बताया, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।